वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि ढाबा स्टाइल ही लगाओ, ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन, और हम आपको बना के दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। और ये हमने पैन ले लिया है, पैन में हमने डाल दिया सरसों का तेल, जब अच्छे से पहले जल जाए उसके बाद हम करेंगे इसमें आगे का प्रोसेस। और ये हमने ग्रीन चिलीज और अनियन चॉप कर लिया है, तो हम डालेंगे इसमें। पहले हम देखें हमने ऑयल की पोजीशन, अभी ऑयल हो रहा है हमारा। चलिए वेट करते हैं 5 मिनट्स के लिए। अब हमारा ऑयल अच्छे से तैयार है, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर इसमें डालेंगे हम अपना ये अनियन और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली डाल दिए इसमें, और हम डालने लगे इसमें अनियन, चॉप्ड अनियन। ये हमने 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं और 3 ग्रीन चिलीज लिए हैं। ये देखिए हमारे ये अनियन और ग्रीन चिली दोनों सॉटे हो रही हैं। जब तक ये ब्राउन होगा तब तक हम अपना चिकन रेडी कर लीजिए। देखिए ये हमारे चिकन, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 स्पून। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं स्मिथ एंड जोन्स की जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 कप। हम इसमें डालेंगे 2.5 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। अभी से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। हमारा अनियन हो गया अच्छे से रेड, अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ये देखिए अब हमने इसमें चिकन डाल दिया है और हमने इसको अच्छे से सॉटे कर लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, और ये हमने पानी डाल दिया इसमें 1/2 कप, अप्रॉक्सीमेट 150 ml वाटर। और ये अब हम इसमें टमेटोज डाल रहे हैं। अब हम इसमें हमने टमेटोज डाल दिए हैं, अब 1 स्पून हम इसमें कर्ड का डालेंगे साथ में। हमने 2 टमेटोज डाले हैं इसमें अच्छे से ब्लेंड करके। और ये हमने कर्ड डाल दिया है। पहले हम 1 स्पून हमने डाल दिया इसमें सॉल्ट का, टेस्ट कर लेंगे बाद में। अब हम डाल दें इसमें हल्दी, 1/2 स्पून हल्दी, और हम डाल दें रेड चिली पाउडर है। अब हम रेड चिली पाउडर भी डालेंगे। ये हमने डाला देगी मिर्च, और हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डाल दिया, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। ये हमने डाल दिया इसमें मीट मसाला। अब हम डाल रहे हैं इसमें गरम मसाला MDH का, हाफ स्पून हमने MDH का गरम मसाला डाल दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब हम इसको
लिड रख के थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे अब 15 मिनट्स के लिए, फिर देखते हैं उसके बाद। ये देखिए हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया और अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी और अब हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी MDH की और ये देखिए कसूरी मेथी हमने डाल दी है। ये कितना बढ़िया कलर आ गया चिकन का। और अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, अमूल का फ्रेश क्रीम। और हमने डाल दिया अमूल का फ्रेश क्रीम इसमें। ये देखिए क्रीम डालने के बाद कितना बढ़िया कलर आ गया हमारे चिकन का। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बन गया है। हमने वैसे ढाबा स्टाइल बनाया है पर इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। आप भी घर पे इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा चिकन रेडी है, एकदम बढ़िया, एकदम स्वादिष्ट मसालेदार चिकन। घर पे ज़रूर ये ट्राई कीजिए रेसिपी। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Oh,